नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और आपके साथ मैं हूं अपूर। मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान और हम आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है सीधा आईपीएल 2021 से जुड़ी हुई और ये है उन दो टीमों से जुड़ी हुई जिनके इंक्लूजन के बारे में खबर आ रही है कि ये दो टीमें आईपीएल 2021 का हिस्सा हो सकती है। यानी कि 8 टीमों के साथ नहीं बल्कि 10 टीमों के साथ ये आईपीएल हो सकता है, ये खबर हमने आपको पहले ही बता दी थी। और जो आप जानना चाहते हैं वो भी सामने आ गया है, 9वीं टीम कहां की होगी, कौन सी होगी, यह पता चल गया। रोहित आपको बताएंगे, बहुत बड़ी खबर रोहित आपके लिए लेकर आए। आपको ये पता है कि 10 टीमों के साथ आईपीएल पहले भी हुआ है। कोची टस्कर्स और पुणे वॉरियर्स ने 1 से 2 सीजन तक इस तरह से शिरकत की है। उसके बाद कोची टस्कर्स पर कुछ आरोप लगे थे जिसमें उस वक्त पे उसे बैन कर दिया गया था। उसके बाद पुणे वॉरियर्स भी वापस चली गई, आईपीएल फिर 8 टीमों का ही हो गया। बीच में आईपीएल 9 टीमों के साथ भी खेला गया था। अब जो है, जो अपूर्व जैसा कि आपको बता रहे हैं कि 10 टीमें एक बार फिर से तय होती हुई नजर आ रही है, 9 टीमें तो पक्की हो चुकी हैं और इस 9वीं टीम का नाम जो है वो अहमदाबाद शहर से जुड़ गया है। यानी आईपीएल में पहली बार ऐसा होगा जब एक कैपिटल सिटी नहीं, क्योंकि आमतौर पर आप देखें दिल्ली हो गया या फिर कोलकाता या फिर मुंबई हो गया और इसके अलावा चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, सारे के सारे कैपिटल सिटीज हैं। इससे इतर अहमदाबाद एक ऐसा नाम है जो एक अगली टीम के रूप में सामने निकल कर आ रहा है। वहां पे मोटेरा स्टेडियम भी है जिसका एक तरह का सार्वजनिक ओकेजन के लिए उद्घाटन डोनाल्ड ट्रंप के आने पर हो गया था और बड़ी कैपेसिटी है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड होगा क्योंकि मेलबर्न की जो कैपेसिटी के हिसाब से बात की जाए उसको उस ग्राउंड ने पीछे छोड़ दिया। 1,10,000 तकरीबन वहां पे सिटिंग कैपेसिटी है और मेलबर्न की एक वक्त पे 1,00,000 हुआ करती थी, अब 80,000 के करीब है। तो अहमदाबाद जो है वो टीम होगी जो 9वीं टीम होगी। उसके बाद 10वें नंबर की टीम जो होगी उसमें 3 नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, पुणे, कानपुर और लखनऊ। अब इसमें से एक टीम और चुनी जानी है जिसमें लखनऊ की दावेदारी बहुत मजबूत लग रही है। और ऐसा ना तो मैं कह रहा हूँ ना तो अपूर्व कह रहे हैं, हमारे यहाँ पर बॉस है उमर सर, वो कह रहे हैं कि लखनऊ की टीम जो है उसकी उसका दावा मजबूत लग रहा है। क्या कहा उन्होंने, उनके भी सोर्सेस तगड़े हैं। हाँ। और उन्होंने ये कहा है कि जो उनके सोर्सेस है वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कानपुर नहीं बनेगी, वो कानपुर तो बिल्कुल नहीं बनेगी जो कि मेरा शहर है। कह रहे थे कि तुम मायूस हो जाओ कोई बात नहीं, मैं तो सही खबर बताऊंगा। और क्योंकि स्पोर्ट्स आर के हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सही खबर देखना उनका हक है, इसलिए मैं सही खबर बताऊंगा भले ही तुम मेरे साथ क्यों ना काम करते हो। तुमने कह दिया तुम्हारे कानपुर की टीम नहीं होगी, होगी तो लखनऊ की टीम हो सकती है और उसके चांसेस बहुत ज्यादा नजर भी आ रहे हैं क्योंकि वो भी एक कैपिटल सिटी है पुणे। हाँ। क्योंकि महाराष्ट्र दो टीमें रिप्रेजेंट करेगा बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसे में। तो फिलहाल खबर यही है कि एक टीम अहमदाबाद की तय मानिए, मोटेरा स्टेडियम होगा उनका और लखनऊ के पास भी अब अपना इकाना है, तो कानपुर के पास भी ऐसे तो है ग्रीन पार्क और पुणे के पास भी है अपना, लेकिन ऐसे में मुझे भी यही लग रहा है कि लखनऊ की उम्मीदें जो है वो बहुत ज्यादा है। कम से कम उत्तर प्रदेश भी रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये अच्छी बात होगी। हाँ, तो ये एक अच्छी खबर है। अब देखते हैं कि कौन से इन 3 शहरों में लखनऊ की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है, लेकिन देखते हैं, इस चीज पर अभी ऑफिशियल जानकारी निकल कर नहीं आई है। अहमदाबाद तय है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।